के करता और मन दे पिछे डर के भाई ठीक है दुनिया ने चीजा सफलता हो जाएगी मन आत्म देव आत्म रस नहीं उन्होंने मिलेगा जो तक गुरु साहब गुरु वाले नहीं बनते इको साल बहुत वाडिया गुरु अमरदास जी महाराज के चरणा च पद्म रेखा थी पद्म रेखा वो होंगे जो अवतार बनना महापुरुष पैगंबर जरा बनना है दुनिया को तार वाला बनना वो पद्म रेखा होंगी वह पद्म रेखा उदों तक प्रगट नहीं हुई कदों तक प्रगट नहीं हुई जिन तक वो गुरु वाले नहीं बने जो गुरु अंगद देव जी को जदों तक नहीं गए जदों तक हरिद्वार से अपने मन के पिछे लग के हरिद्वार की यात्रा बहुत की महाराज हर साल जाते बड़े साधुओं के सत्संग करते बड़ी सेवा करते बड़ा अच्छा उन्होंने सुभाव सी पर पद्म रेखा प्रगट नहीं हुई अंदरों जी आत्म देव वह प्रगट नहीं हुई बड़ी मन की इच्छा सी कहते एक बारी हरिद्वार की यात्रा करके आ रहे थे उन्होंने नाल एक ब्रह्मचारी चल पिया उन्होंने उन्होंने ब्रह्मचारी को बहुत चंगे नेक लगे जेले करके सामने प्रसाद परसोया रोटी खान लगे ब्रह्मचारी ने सहज सवाए पूछ लिया तुहाडा गुरु कौन है तो महाराज ने उसले बड़े प्रेम नाल दीन गया मैं जे गुरु टोलदा पिया गुरु लभदा पिया मैनू गुरु वाला मैं बनिया नहीं गुरु अजे मैनू मिलिया नहीं मैं गुरु वाला नहीं उस वेले ब्रह्मचारी थाल रोटी का पुआ के बड़ा मारिया गाला करता आना सारा कोसदा होया महाराज ने घरों निकल गया कि तेरे गुरे के घर मैं नहीं रोटी खानी बुड़ बुड़ करता होया नट गया कि तू नगुरा आ मेरा धर्म भ्रिष्ट कर दिता महाराज के हिरदे च ठेस बची कि मैं निगुरे ने रोटी नहीं खाधी ये ब्रह्मचारी ने मेरी रोटी नहीं खाई का मतलब गुरु की किन्नी विशालता किन्नी वड्याई है कि गुरु गुरु को मिलना गुरु वाला बनना किन्नी उची वस्ता जिसले फिर गुरु वाला किस तरह बने सवेरे निकल लगे अमृत वेले उन्होंने भरा दी नौ बीबी अमरो अपना दही बरोली थी मखन कटन वास्ते जो रोज बीबिया अपना पिंड पिछले वक्त कर दिया बधाणी पा के गुरु नानक देव जी की बाणी पाती थी अमृत वेले जेले बाणी महाराज के हिरदे च लगी बाबा अमरदास जी के हिरदे च बाणी गई बेटिया गया हिरदा तो कन्न ला के सुनते रहे कंध नाल के की बाणी है बड़ा अंदरों आनंद आवे बड़े प्रसन्न हो ज्यों ज्यों बाणी बीबी अमर परे त्यों त्यों ठंड पैंदी जाए जिसों भोग पिया मक्खन निकल गया बीबी ने मक्खन कटिया तो बाणी का भोग पाया तो महाराज अंदर गए बाबा बीबी ने पूछे बीबी पढ़ रही थी महाराज मैं बाणी पढ़ रही थी कि बाणी थी ये गुरु नानक की बीबी मैंने हमने ही गुरु नानक को लै लिया मैं गुरु नानक को मिलना है मैं उन्होंने गुरु धारना है मैं रह नहीं सकता कहते महाराज वो तो संसार से है नहीं है संसार से उन्होंने सोए हुए उन्होंने गुरसिख मेरे पिता जी गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु नानक ने कहते उन्होंने को लै जैसे लैके गए बीबी लै गई उसे गए महाराज ने दंडौत की उस वे तन मन धन सब थौम गुरु को हुक्म मनिए पाइए गुरमुखो ये सब कुछ थौम दिता उस वे सुत शब्द न लीन हो गई उस वे पद्म रेखा प्रगट हो गई सेवा चला फिर महाराज ने गुरु अंगद देव जी ने उन्होंने गुरु नानक की गद्दी से बिठाया पांच परिक्रमा पांच पैसे ना रखे मत्था टेकया हे गुरसिखा हे भाई अमरदास तू हूं शब्द गुरु का स्वरूप बन गया मैं शब्द गुरु के अगे मत्था टेक रहा गुरमुख इस करके गुरु वाला बनना जरूरी है ताइयो ये रेख च मेघ बजती है ताइयो असी उस दसवें द्वार नू चल सकांगे ताइयो अंदर आत्म देव नाल सुरत लीन होएगी जे गुरु वाले बन गए फिर दसवंध कट गया रस्ता मिल गया फिर अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार संत जी महाराज जिन्हां दा आपां वर्षी मना रहे हैं वह भी और इन्हां दे वड्डे महापुरुष जी संत अदर जी महाराज भी इस ते बहुत जोर दिंदे सी भाई अमृत वेला संभाले जिस सिख ने दसवंध कर लिया गुरु वाला बन गया और अमृत वेला संभाल लिया उस संसार की वादी जित के गया
अमृत वेला के सस वालना महाराज कहने ने गुर सतगुर का जो सिख गाए सो पलके उठिया नाम से आवे उद्दम करे पलके परवाती शनान करे अमृतसर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब के लिए पाप दोख ले जावे ते जड़े जिस गुरबाणी गावे बहदे उठिया नाम से जो सास ग्रास आए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन पावे जिसनु ध्यान होवे मेरा स्वामी तिस गुरसिख रूप दे सुनावे ते नानक टूर मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपे सही पलका हुंदा रात दे 12 बजे तो बाद आपां कहना दूसरा दिन चढ़दा आ रात दे 12 बजे तो बाद उस तो बाद अमृत वेला शुरू हो जांदा और फिर सिख अपने अपने अवस्था के मुताबिक जेडे महापुरुष ने संत महात्मा जेडे अंदर लगे ने वह तो बई 12:30 एक दो दिन उठ के अपना स्नान करके नाम वाणी संग लग जाने। संजी महाराज कहने जेडे कम्मा काजा वाले ने गृहस्थी ने दूसरे ने बेचारे नहीं जल्दी उठ सकते वह सवेरे घट्टो घट सूरज चढ़न तो घट्टो घट 3 घंटे पहले उठन वह अमृत वेले उठ के स्नान करके अपना वाहिगुरु का जाप कर करके पंजाणी नितनेम कर फिर महाराज जी चरण शो प्राप्त कर महाराज का वाक लैन उपदेश कमान महाराज कहते ने गरंटी दिंदा सतगुर उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब केलविक पाप दुख लै जावे फिर सारे केलविक पाप दुख दलिद्र दूर हो जाएंगे जे उपदेश कमाए करद्या फिर बहद्या चलद्या बहद्या काम करद्या नाम बाणी सिमरन करना गुरमुखो अखीर से वस्ता चलद्या चलद्या सिमरन करती पहली वस्ता होंगी है सिमरन की जबान नाल वाहिगुरु जपना संगत जपना उची जपना कल्या जपना गुप्त जपना ता जे लागे नूं किसे नूं पता लगे हमेशा महापुरुष जिन्हें गुरमुख इस तरह करते आए नहीं तो हमें आएगी मैं जप रहा जो कल्याण जपना गुप्त जपना फिर अंदर जबान बोले जबान नाल आस्ता आस्ता वाहिगुरु जाप होए हिरदे जबान ना बोले हिरदे जो वाद से कन्ना ना सुने कहना मेरा गुरु सच्चे पातशाह मैंने जपा रहे करद्या करद्या फिर सुरत जड़ी है शब्द ना लीन हो जाती है होड़ बंद हो जाते ने अंदर सुरत वाहिगुरु 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 जाप हों और अभ्यास करने तो बाद सुवासा की माला चल पी है प्राणायाम जो करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज है रुक रुक के सुस लेंगे गुरसिख सह सवाए जो सुस आ रहे हैं अंदर सुस जाए वाह बाहर जाए गुरु वाह गुरु वाह गुरु ऐसी सुसा की माला हो जाती है गुरमुख एक मिनट के 16 सुस आते हैं आम आदमी के और जरा वैली कवाली है शराबी कवाबी चिंता जब दुनियादार या मन मुख आ सुस 20-25-30 भूखनी चल पी उम्र घट जा जरा गुरमुख नाम सिमरन करता बाणी पढ़ता वे सुस घटते जाते जो सुसा नाल सिमर हो कई दफा सुस 1 मिनट 4-5 आते कई गुरमुखा के 1 ही आते सहज अवस्था आती है जिन्हें सुस सह सुस तरद करने नहीं रोकन नाल नहीं वो रोकन नाल मन दबंग करता फिर रिबेल करता मन ना तो रिजिस्ट करता है सह सुहाय जो सुस सिमरन करता है सह सुहाय अवस्था अभ्यास करता है ऐसी अवस्था हो जाती है कि सुस अपने आप ही घट हो जाए 1 मिनट को 4-5-6-7 कई गुरमुखा के 1 मिनट 1-2 ही आते और जे महापुरुष समाधि लाते ने उन्होंने सुस का पता नहीं उन्हें सुस आते जाने सुरत शब्द लीन होंगी है ताइयों उन्होंने ना भोखिया ना दुखिया क्योंकि सुरत शरीर नाल नहीं है जे सुरत शरीर नाल है तो उन्होंने भुख भी है दुख भी है सुरत शब्द गुरु नाल है तो शब्द गुरु अंदर आत्म देव ना भोखिया ना दुख है उसे सुसा का की कारण है सारा बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाता कोई रही नहीं एवं जी चीज जिदे नाल तुहाडा शरीर का संबंध जड़ा है और टुट के मन जरा सुरच जीन होना गुरमुखा की गुरमुखों समाधि लगती है बाकी समाधि लगती समाधि लगती है आत्मदर्शियां बाकी चलते हैं फिरद बहद्या उठते हैं जो नाम जपने सुसा नाल भांडा साफ हो जाता अंदर फिर गुरु के जो उपदेश दिता है जो सास ग्रास से आए मेरा हर हर सो फिर गुरु मन पावे वह गुरु के मन पाया जाता है
महाराज को चंगा लगता है। उन्होंने महाराज कहते जन नानक जिसनों दयाल हो मेरा स्वामी तिस गुरसे गुरु उपदेश सुनावे, जिन्हों दयाल होगा महाराज उन्होंने उपदेश भांडे च पाता है। वह सिख तो चलिया ब्रह्म ज्ञानी बनया, क्योंकि आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान गुरु ने उसके हिरदे च पाता। महाराज कहते हैं जन नानक धूल मंगे तिस गुरसिखी जो आप जपे अवराजा। महाराज पूरी धूल मंगते हैं। तो गुरमुखो जो सुहासा की वर्षा आती है ओ मन साफ होता, भांडा साफ हो।